नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्सम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर से इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप OBS स्टूडियो को इस्तेमाल करके वर्टिकल फॉर्म में इंस्टाग्राम पर बहुत ही आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो, मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर रखा है। इस समय यहां पर OBS स्टूडियो 31.1.1 यहां पर आ चुका है और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। OBS स्टूडियो 31.1.1 के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जब भी कुछ ऐसा चेंज होगा तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। तो आइए वापस चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। इंस्टाग्राम पर OBS स्टूडियो से लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको एक छोटी सी प्लगइन इंस्टॉल करनी होती है। उस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप OBS स्टूडियो की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हैं एटम वर्टिकल 1.5.2 ये वाली प्लगइन हमें इंस्टॉल करनी होगी। यहां पर सामने की तरफ आप देख रहे हो गो टू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और ऊपर की साइड में यहां पर जो डाउनलोड का बटन आ रहा है, इस पर आप देखोगे तो ये फोल्डर ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, इस पर क्लिक करो। यहां आप देख रहे हो वर्टिकल कैनवास विंडो, ये हमारा एक फाइल यहां पर डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं वर्टिकल कैनवास विंडो इंस्टॉलर, ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसकी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह पढ़ने को मिल जाएगी, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको चेक कर लेना है जो फोल्डर है, इसमें OBS स्टूडियो वाले फोल्डर में ही आपकी ये फाइल इंस्टॉल होनी चाहिए। तो एक बार आपको यहाँ चेक कर लेना है, लास्ट में OBS स्टूडियो लिखा हुआ आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दो और फिर से इंस्टॉल पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहां पर आपको फिनिश पर क्लिक करना है। प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने OBS स्टूडियो को एक बार बंद करना है और फिर से ओपन कर लेना है। तो मैंने अपने OBS स्टूडियो को यहां पर रीस्टार्ट कर दिया है। उसके बाद ऊपर यहां पर जो डॉक्स का बटन आता है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वर्टिकल प्लगइन के नाम से यहां पर आपको शो होने लगेगा। यहां पर नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो वर्टिकल सीन्स का एक ऑप्शन यहां पर आने लगा, वर्टिकल सोर्सेज का ऑप्शन यहां पर आने लगा, वर्टिकल सीन ट्रांजिशन का ऑप्शन यहां पर दिख रहा है और वर्टिकल का ऑप्शन यहां पर दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको वर्टिकल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वर्टिकल पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो OBS स्टूडियो के इस साइड आप देख रहे हो वर्टिकल, ये यहां पर डिटेल आनी स्टार्ट हो चुकी है। यानी इंस्टाग्राम पर जब हम लाइव करते हैं तो वर्टिकल फॉर्मेट में करते हैं, तो यहां पर वर्टिकल फॉर्मेट अपने आप ही यहां पर ओपन हो गया है। इसके बाद एक बार डॉक्स के ऊपर फिर से जाइए और यहां पर आप देख रहे हैं वर्टिकल सीन्स, तो वर्टिकल सीन्स पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर नीचे आप देख रहे हो वर्टिकल सीन्स भी हमारे दिखने लगेंगे। इसी तरह से आपको वर्टिकल सोर्सेज पर क्लिक कर देना है। अब यहां नीचे देखोगे वर्टिकल सोर्सेज यहां दिखने लगेंगे। इसके बाद फिर से डॉक्स पर क्लिक कर दो और यहां पर आपको वर्टिकल सीन ट्रांजिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप वर्टिकल सीन ट्रांजिशन करना चाहो एक सीन से दूसरे सीन में, तो वो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। तो वर्टिकल सीन ट्रांजिशन पर क्लिक कर दो। अब यहां आप देख रहे हो ये हमारा नॉर्मल सीन ट्रांजिशन है और ये हमारा वर्टिकल सीन ट्रांजिशन यहां आ गया। यहां पर हमारे नॉर्मल सोर्सेज आ गए और ये हमारे वर्टिकल सोर्सेज आ गए। इसी तरह से यहां पर हमारे ये नॉर्मल सीन्स हैं और यहां पर हमारा वर्टिकल सीन्स हैं। तो ये हो गई इसकी कहानी। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो वर्टिकल का ये पूरा ऑप्शन आ रहा है। अब सारी सेटिंग्स वगैरह यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नीचे की साइड आप देख रहे हो यहां पर लाइव का बटन दिया गया है। जब आपको वर्टिकल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी होगी तो ये बटन प्रेस करना है। अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ये बटन प्रेस करना है। इस तरह के आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएंगे। कोई क्लिप रिकॉर्ड करनी है तो उसका ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। ये सब ऑप्शन आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्टिकल वर्चुअल कैमरा का ऑप्शन भी यहां दिया गया है। जैसे जो हमारा नॉर्मल वर्चुअल कैमरा होता था, यहां पर आप वर्टिकल वर्चुअल कैमरा भी OBS में यहां पर ऑन कर सकते हो। ये सब ऑप्शन यहां मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक वर्टिकल सीन हमें यहां पर क्रिएट करना है। वर्टिकल सीन क्रिएट करने के लिए सिंपल सा यहां पर जो वर्टिकल सीन का ऑप्शन दिया गया है, इसके नीचे प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर क्लिक कर दो।
और यहाँ पर वर्टिकल सीन का कोई भी आप नाम दे दो। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया वर्टिकल वन, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल वन के नाम से एक सीन क्रिएट हो गया। उसके बाद आप नीचे की साइड यहाँ पर जाओगे वर्टिकल सोर्सेज में, और यहाँ वर्टिकल सोर्सेज में नीचे प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर क्लिक कर दो। तो अपने वर्टिकल वीडियो को एड करने के लिए हमें जाना होगा मीडिया सोर्स पर। मीडिया सोर्स पर जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे सामने की साइड, बहुत सारे यहाँ पर आपको सब मेनू ओपन हो जाएंगे। अगर आपने पहले से कोई मीडिया सोर्स यूज कर रखा है, उसे आप फिर से यहाँ रीयूज करना चाहते हो, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप कोई नई वीडियो ऐड करना चाहते हो तो यहाँ न्यू पर क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज करो और जो भी आपकी वीडियो है उसे आप अपने पीसी से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक अपनी वर्टिकल वीडियो यहाँ सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये वीडियो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद ओपन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर एक लूप का ऑप्शन आ रहा है, इसे हम यहाँ पर टिक कर देंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे, ये आप देख सकते हो वर्टिकल वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसका प्रीव्यू आपको यहाँ देखने को मिल रहा है और इसका ऑडियो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं इसका ऑडियो यहाँ पर आ रहा है मीडिया सोर्स 7। ऑडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ दिख रहा है, रेड लाइन यहाँ दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को हम यहाँ से कम कर देंगे। कुछ सेटिंग्स हमें और करनी होंगी जिससे हम वर्टिकल लाइव कर पाएंगे इंस्टाग्राम पर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर। वर्टिकल लाइव अगर आपको करना है तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हो, और एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पर भी आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे की साइड कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें आपको एक सेटिंग्स का बटन दिख रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक कर दो। उसके बाद जनरल का ऑप्शन आएगा, जनरल वाले ऑप्शन में बस आपको एक ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन वगैरह तो यही रहने देना है, जो भी आपका 1080p 1920 यही रहने देना है, इंस्टाग्राम पर यही रेजोल्यूशन चलता है। उसके बाद ध्यान रखना है नीचे यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है शो वर्टिकल सीन इन मेन सीन लिस्ट, तो इसे आपको टिक करके रखना है। अगर इसे आप टिक नहीं करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में आपका ऑडियो नहीं जाएगा, वीडियो चलती रहेगी बट ऑडियो नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद स्ट्रीमिंग की सेटिंग आ रही है, यहाँ से आप स्ट्रीमिंग का जो URL वगैरह है वो सेटअप करोगे। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको इसके अंदर रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें स्ट्रीमिंग पर क्लिक करना है और उसके बाद स्ट्रीमिंग का जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, उसके लिए ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ आप देखोगे एक ऑप्शन ओपन हो गया नेम, तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया इंस्टाग्राम। उसके बाद यहाँ पर सर्वर का ऑप्शन आ रहा है और की का ऑप्शन आ रहा है, अब हमें जाना होगा अपने इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का जो लाइव स्ट्रीमिंग का URL है, सर्वर URL है, वो हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, और इंस्टाग्राम की जो स्ट्रीम की है वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो अब हमें जाना होगा अपने इंस्टाग्राम पर, आपको अपने PC पर इंस्टाग्राम साइट ओपन कर लेनी है, लॉगिन कर लेना है और वहाँ से आपको स्ट्रीम की और URL ले लेना है। तो अब हम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर लिया है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे इस साइड आप देख रहे हो यहां पर एक प्लस का बटन आ रहा है, क्रिएट का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक लाइव वीडियो का ऑप्शन आ रहा है और ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें यहां लाइव वीडियो पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का कोई भी टाइटल लिख सकते हो, मैंने यहां पर लिख दिया टेस्ट लाइव। उसके बाद ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है, इसके आगे एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब इसमें आपको चार पांच ऑप्शन देखने मिलेंगे, आपको इसे पब्लिक करना है, प्रैक्टिस में करना है, क्लोज फ्रेंड करना है, जो भी आप यहां सिलेक्ट करोगे यहां सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं इसे पब्लिक पर क्लिक कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहां आप देख सकते हो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। यहां पर स्ट्रीम URL आ रहा है और स्ट्रीम की यहां पर आ रही है, तो ये स्ट्रीम URL यहां से हमें कॉपी कर लेना है और वापस जाना है अपने OBS स्टूडियो पर। इंस्टाग्राम से जो हमने सर्वर URL कॉपी किया था उसे हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, इसे मैं यहां पेस्ट कर देता हूं और वापस चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। आने के बाद यहां से हमें स्ट्रीम की को कॉपी कर लेना है, यहां से कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे अपने OBS स्टूडियो पर, स्ट्रीम की को यहां पर पेस्ट करेंगे। तो यहां पर हमने इंस्टाग्राम का सर्वर URL पेस्ट कर दिया, स्ट्रीम की पेस्ट कर दी, उसके बाद आपको यहां पर ओके पर क्लिक कर देना है। OBS स्टूडियो से इंस्टाग्राम पर लाइव करने के लिए हमारी सेटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहो तो एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, यहां पर सेटिंग का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रीमिंग के अंदर यहां पर जो भी नया प्लेटफॉर्म है उसे आप ऐड करना चाहो तो
ऐड पर क्लिक करो। इसी तरह से नई कोई भी स्ट्रीमिंग यहाँ आपको करनी है, चाहे वो यूट्यूब पर वर्टिकल स्ट्रीमिंग करनी हो, या फिर आपको फेसबुक पर लाइव करना हो, या फिर आपको इंस्टाग्राम के दूसरे चैनल पर लाइव करना हो, यहाँ पर आप ऐड करते जाओ इसी तरह से, तो मल्टी स्ट्रीमिंग आप कर सकते हो। और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर जो ग्रीन कलर का बटन आ रहा है इसे आपको क्लिक कर देना है, प्रेस कर देना है, इंस्टाग्राम पर आपकी लाइव स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग OBS स्टूडियो से स्टार्ट हो चुकी है। वापस चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग है, वर्टिकल वीडियो है ये वाली, ये हमारे इंस्टाग्राम पर शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अब आप देख सकते हो हमारी वीडियो की फुटेज यहाँ आनी स्टार्ट हो चुकी है, जो OBS से हम लाइव कर रहे थे वो यहाँ आना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर जो गो लाइव का बटन आ रहा है, जैसे आप गो लाइव पर क्लिक करोगे आप इंस्टाग्राम पर लाइव हो जाओगे। तो यहां गो लाइव पर क्लिक कर देता हूं, तो अब हम इंस्टाग्राम पर लाइव हो चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एंड लाइव वीडियो करके आ रहा है, यहां पर आपको कमेंट्स दिखाई देंगे, कोई भी अगर इस पर कमेंट करेगा तो कमेंट आपका यहां पर दिखाई देगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कमेंट आना स्टार्ट हो गया। अगर आप अपना फेस कैम दिखाना चाहते हो, अपना वेब कैम दिखाना चाहते हो, वो भी आप दिखा सकते हो। कोई भी प्री रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। और जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग को एंड करना हो तो यहां से एंड लाइव वीडियो पर क्लिक कर दो, इंस्टाग्राम पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो जाएगी। तो एंड लाइव वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूं। हम वापस आ चुके हैं अपने OBS स्टूडियो पर। तो दोस्तों इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो OBS स्टूडियो की मदद से। अब OBS स्टूडियो से भी हम लाइव स्ट्रीमिंग को स्टॉप कर देंगे, यहां पर जो ग्रीन बटन है इसे एक बार प्रेस करेंगे तो यहां से भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉप हो गई है। इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करने में अगर आपको कोई दिक्कत आए, कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।